विधानसभा अध्यक्ष दुखंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में आपदा प्रभावित क्षेत्र स्नेह लालपानी, कुंभी चौड़, ध्रुवपुर, मोटाढाक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्य का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष का लालपानी और स्नेह पहुंचने पर बाढ़ प्रभावितों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से युद्ध स्तर पर किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए और प्रभावितों को राहत देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आज हमारा जो शुरू हुआ पूरा देखना वो लालपानी से हम लोगों ने शुरू किया। वहाँ पर आप और सनी दो जगह मैं पहले गई, आप लोगों ने जाना ही है कि खो में काफ़ी तेज़ करंट है और लालपानी में दिक्कत हो रही थी, साथ ही साथ सने चौकी तक दिक्कत थी, लेकिन दोनों अभी वहाँ पे नंदपुर में दिक्कत थी तो सब जगह अभी पोखरण लगी है और प्रयास ये रह रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग जो गांव की तरफ पानी आ रहा है, चाहे वो बिशनपुर हो, चाहे वो लाल पानी हो, चाहे वो सने हो, चाहे वो नंदपुर जो हाँ मालन आ रही है, अगर कहीं भी इन जगहों पे प्रयास ये रह रहा है कि गांव की तरफ से हम पानी को थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट करें। जगह जगह पोकलेन लगी हुई है, कहीं एक लगी है, कहीं दो लगी हैं और तेज़ी से प्रयास हो रहा है कि नदी को डाइवर्ट किया जाए। और आप जान रहे हैं इस समय हम लोग जो हमारा ह्यूम पाइप से बना हुआ वैकल्पिक मार्ग है उस पर मैं खड़ी हूँ और अभी भी फ्लो काफ़ी तेज़ है, नदी में काफ़ी तेज पानी आ रहा है, लेकिन प्रयास यह है कि जल्द से जल्द ये वैकल्पिक मार्ग खुले और कोटद्वार और भाबर में जो आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है उसको हम समाप्त करें। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी और मुख्य प्रवक्ता करिमा सोरेन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में कहा गया कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसे रोका जाए। कांग्रेस प्रवक्ता करिमा सोरेन ने कहा कि सरकार लगातार इनकी मांगों को नजरअंदाज कर वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। सरकार को चाहिए कि वो इनकी 11 सूत्री मांगों पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी कोई अनुचित मांग नहीं है, सरकार की इस कार्रवाई से वहां के व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये कुठाराघात है उन धर्म के रक्षकों को जो लगातार बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करके समाज की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, उनको कभी सपनों में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ जो धर्म का झंडा बरदार अपने आप को कहती है वो पार्टी इतना बड़ा उनकी पीठ पे छुरा भोंकेगी। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया तीर्थ पुरोहित और व्यापार संघ के लोग वहाँ पर धरना कर रहे हैं और अब तो उन्होंने आम्रन अनशन भी शुरू कर दिया है। हमारे नेता वहां जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार्ग अवरुद्ध है, तथा कथित ऑल वेदर रोड जिसको ये कहते थे वो जगह जगह पर बाधित है। इसलिए स्थानीय विधायक बद्रीनाथ से भी मेरी बात हुई और देवप्रयाग के भी हमारे पूर्व काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नेथानी जी से भी बात हुई, वो वहाँ लगातार उनके बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। श्री बद्रीनाथ में आप रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है आप करिए, लेकिन जो वहाँ के हकूकधारी थे जो बरसों से वहाँ पर व्यापार करके छोटी मोटी दुकान करके अपने पेट का पालन कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, आज उनको उजाड़ कर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार धर्म विरुद्ध काम कर रही है और जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक काम करने, धार्मिक आधार पर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको उजाड़ने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है और केंद्र की सरकार कर रही है। बद्रीनाथ में होना ये चाहिए था कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए लोग थे जो इस काम धंधे को कर रहे थे पहले उनका चिन्हीकरण होना चाहिए था, उनका मुआवजा मिलना चाहिए था, उनके दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा न करके श्री बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है और उनके सपनों को कुचलने का काम किया है। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने जल संस्थान को 18 अगस्त को टाउन हॉल परिसर में कार्यालय उपलब्ध न कराने पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन काला फीता बांधकर विरोध और मांग के पूरे होने पर 23 तारीख को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने 25 अगस्त से बिना किसी सूचना के अनिश्चितकालीन टूल डाउन एंड पेन डाउन पर जाने की चेतावनी दी है जिससे शहर में पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी और आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर्यटक नगरी में आने वाले पर्यटकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बार बार मौखिक लिखित नगर पालिका अध्यक्ष
मसूरी के साथ पत्राचार भी किया और उनकी तरफ से हमें जो अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से जो आज जो हमें जो ये कदम उठाना पड़ रहा कि जो चाहे हमारा उपभोक्ता है वो भी हमारा आदमी है, उन्हें कष्ट हुआ तो हमें भी कष्ट हुआ, हमारे कर्मचारियों को भी कष्ट हो रहा है। कार्यक्रम हमारा यह है कि 18 तारीख को धरना रहेगा परिसर में, वो धरना है जो हमारा जो सांकेतिक रहेगा। श्रीनगर विधानसभा के विकासखंड किरसू की ग्राम पंचायत कलियासौड़ के राजस्व ग्राम बागवान लक्का चोपड़ा में रेल विकास निगम की कार्यदायी संस्था एक निजी कंपनी द्वारा ग्रामीणों की भूमि लीज पर लेकर खनिज भंडारण के कार्य पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज की है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों से उन्हें परहेज नहीं, लेकिन संबंधित कंपनी को खनिज भंडारण कार्य करते समय ग्राम सभा को कोई नुकसान न हो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले SDM श्रीनगर को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लिखित रूप से विरोध दर्ज किया गया था, वहीं जिलाधिकारी ने मामले में उप जिलाधिकारी श्रीनगर से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये मामला इस तरह से है कि यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत में कलियासौड़ विकासखंड खिरसू में ये भगवान लगा चोपड़ा गांव है, तो यहाँ पर जो रेल विकास निगम की कार्यदायी संस्था है वे ग्रामीणों की भूमि लीज पर लेकर वहाँ पर खनिज भंडारण करना चाह रहे हैं। तो हम कहीं विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें मानकों का थोड़ा ये ध्यान रखें और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर कि भाई आपके खनिज भंडारण करने से क्या समस्या होगी, उसका निदान क्या होगा। हम कंपनी से वो मांग कर रहे हैं, हमें SDM महोदय सिन्नर को आज से 5 महीने लिखित रूप में जनप्रतिनिधि से ग्रामीण से मिलकर उनसे एक ज्ञापन दिया था, तो 5 महीने बाद उस पर कार्रवाई की। हमें आज SDM साहब मिलकर अपनी बात बताई क्योंकि कंपनी वहाँ पर जो है कि झाड़ी कटान का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इस संबंध में मैंने SDM श्रीनगर से जांच आख्या प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया उन्होंने, और कुछ पेड़ों के काटे जाने संबंधी और भंडारण संबंधी जो शिकायत है उसमें नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मसूरी में पर्यटक और स्थानियों के बीच में गाड़ी हटाए जाने को लेकर जमकर विवाद हो गया, जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई। वहीं इस दौरान पुलिस की ओर से एक तरफा कार्रवाई कर पर्यटकों का पक्ष लेने पर स्थानीय लोगों ने गांधी चौक पर जमकर हंगामा किया, जिस पर स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय स्थानियों को ही धमकाया है, जिस पर स्थानियों ने प्रदर्शन कर गांधी चौक पुलिस चौकी इंचार्ज के सस्पेंड किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार के दर्जन के आसपास अधिकारियों की जांच विजिलेंस द्वारा की जा रही है। आई से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस को मिली शिकायत पर यह जांच हो रही है। हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने विजिलेंस के SP प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विजिलेंस द्वारा की जा रही जांचों की स्टेटस रिपोर्ट देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेशन ने कहा कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच कर रही है जिनके आय से अधिक संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस का काम सबूत को इकट्ठा करना है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के निर्देश है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसे चलते एक 1064 एक हेल्पलाइन भी प्रारंभ किए हुए हैं। उस हेल्पलाइन में हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं, उस पर हम काम करते हैं। उसे उसके बाद जो उस पर बेसिस में जो इंफॉर्मेशन आता है उस बेस में हम शासन की अनुमति के बाद FIR भी होता है, पुलिस जाँच भी होता है। जो लॉन्ग पेंडिंग हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस है और कुछ इंक्वायरीज है उसको हमने आज रिव्यू किया है। SP साहब और हमारे IO लोगों के सामने मार्गदर्शन दिए हैं कि उसको सब जल्द से जल्द एक्सपेडाइट हो। जो दोषी हैं भ्रष्टाचार में वो दोषी को कोर्ट में हम सजा दिला, ये हमारा मकसद है।